ठंडी का मौसम है, पढ़ते रहिए। पढ़ने से आसान काम कोई दूसरा नहीं होता है। कितना अच्छा मौसम है ना। खूब अनवरत रूप से इस मौसम का लाभ लीजिए और खूब पढ़ाई करिए। इससे भावी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करने के लिए एक बेहतर मौसम मिला है हम लोगों को, है ना। तो क्यों नहीं इसका पूरी तरह से लाभ उठाया जाए। किताबों से चिपके रहिए इस मौसम में। किताबों को पढ़ने से भी थोड़ी थोड़ी गर्मी मिलती रहती है। साथ ही अगर मेरे वीडियोस को आप ध्यान से देखकर नोट बना लेंगे तो किताबें कहीं ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस तरह से उसको समझाने का काम करता हूँ कि आप अगर बुक्स पढ़ें तो बुक्स भी समझ में आए। हालांकि अगर आप पूरी तरह से मुझे फॉलो करेंगे तो बुक्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भारत आधुनिक भारत के इतिहास से आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की महत्वपूर्ण घटना है राष्ट्रीय चेतना का विकास। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1850 के बाद धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से निर्मित हो रही थी। उदाहरण के लिए राजा राममोहन राय की जो गतिविधियां थी, उनका जो समानता पर आधारित संदेश था, पाश्चात्य उदारवाद से प्रेरित होकर जिस तरह से वो भारत में समानता पर आधारित समाज की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रहे थे, भेदभाव का विरोध कर रहे थे, उससे धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीयता के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। लेकिन राष्ट्रीयता का विकास यानी राष्ट्रीय चेतना का विकास भारत में मुख्य रूप से 1850 के दशक की बाद की घटना है, ठीक है। 1857 की क्रांति का कारण राष्ट्रीय चेतना नहीं था। 1857 की क्रांति मध्यकालीन विचारों पर आधारित थी, जिसमें ज्यादातर राजा महाराजा क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही क्रांति पूरी तरह से हिंसक थी। शत्रु भी केवल अंग्रेज नहीं था, शत्रुओं में जमींदार भी थे, महाजन भी थे, यहाँ तक कि पढ़े लिखे जो बौद्धिक तबके थे, शहरों में रहने वाले अंग्रेजी पढ़ा लिखा जो बौद्धिक तबका था, वो क्रांति से अपने की दूरी बनाए रखा। क्रांति से उसको कोई लेना देना नहीं था, है ना। यानी 1857 की क्रांति में ज्यादातर प्रतिक्रियावादी तत्वों ने नेतृत्व किया, राजाओं ने, सामंतों ने और निरक्षर जनता ने उसमें भाग लिया और साथ ही सैनिकों ने। लेकिन राष्ट्रीय चेतना का विकास जब हुआ तो वास्तव में एक अलग वातावरण भारत में बनने लगा। राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है? स्वदेश के प्रति प्रेम और एक साझे शत्रु की पहचान, है ना। अंग्रेज भारत पर शासन करते थे तो दावा करते थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए भारत पर शासन कर रहे हैं, हम अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को सभ्य बनाएंगे। पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति से बेहतर है, हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति लाकर भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते हैं, है ना। लेकिन अंग्रेजों को उस काल में बहुत सारे लोग अपने शत्रु नहीं मानते थे। उस काल में बहुत से लोग अंग्रेजों को एक देवदूत भी मानते थे, जो कि भारत में बहुत सारी बुराइयों का अंत कर रहे हैं और समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों को शत्रु के रूप में देखना ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की विशेषता थी। धीरे धीरे लोगों में इस चेतना का विकास होने लगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कि अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों के लिए, मतलब ब्रिटेन के हित के लिए भारत पर शासन कर रहे हैं और भारत का धन वो ब्रिटेन ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी भारत में राष्ट्रीयता के विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण किसने किया? स्वयं अंग्रेजों ने किया। राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक शत्रु का होना जरूरी। जब तक शत्रु नहीं रहेगा तो हम स्वदेश से प्रेम की भावना कैसे विकसित होगी? कैसे भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो लोगों में कुछ ज्यादा ही स्वदेश प्रेम उस समय दिखाई देने लगता है ना। ऐसे तो कुछ भी पोस्ट कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार। लेकिन जब एक विदेशी शत्रु से हमारा मुकाबला होता है तो हम सभी एक होना पसंद करते हैं, है ना। तो राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक शत्रु का होना भी जरूरी है। यानी भारत में राष्ट्रीयता के विकास की पृष्ठभूमि स्वयं अंग्रेजों ने निर्मित की। अंग्रेजों ने ही भारत में राष्ट्रीयता के विकास के बौद्धिक और भौतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। बौद्धिक और भौतिक ठीक है। अंग्रेजों ने ही भारत में भौतिक और बौद्धिक राष्ट्रीयता के विकास के बौद्धिक और भौतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। भौतिक पृष्ठभूमि क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारत का किया जाने वाला शोषण। अंग्रेज भारत का जो आर्थिक शोषण करते थे, भारतीयों का जो आर्थिक शोषण करते थे, उस शोषण के खिलाफ जो प्रतिक्रिया उभरी उसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यानी राष्ट्रीयता के विकास की भौतिक पृष्ठभूमि का निर्माण अंग्रेजों ने किया। ब्रिटिश हित और भारतीय हितों में टकराव की स्थिति थी। ब्रिटेन के और भारत के आर्थिक हितों में एक टकराव की स्थिति थी।
अंग्रेजों ने यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में आधुनिक संस्थाएं लाई, आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से यहाँ शासन करते थे। प्रशासन के क्षेत्र में आधुनिक संस्थाएं लाई, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिलाधिकारी का पद गठित करके पूरे जिले को एक जिलाधिकारी के अधीन कर दिया, और समान कानून है ना का पालन पूरे देश में, एक समान कानून, एक समान फौजदारी और दीवानी कानून है ना, जिस पर दृढ़ता से अमल होता था। तो अंग्रेजों ने राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया, आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा था, उसका उद्देश्य भारत का हित करना नहीं था, उसका उद्देश्य ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना था। यानी अंग्रेज भारत ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए, अर्थात औपनिवेशिक हितों के लिए भारत का आधुनिकीकरण कर रहे थे, है ना। अंग्रेजी शासन में भारत के सभी वर्गों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, चाहे किसान हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे शिल्पी हो, चाहे मजदूर हो, या फिर राजा हो, सामंत हो, या पढ़ा लिखा भारतीय हो, या सैनिक हो, सबके हित, या फिर जो कलाकार थे, कलाकार है ना, कैसे राज्यों को हटाते चले गए तो कलाकार जो कि उनके दरबार में शरण पाते थे बेरोजगार हो गए, संगीतकार, कलाकार है ना, तो बहुत से लोग दरबार में बैठते थे कलाकार लोग, वो लोग बेरोजगार होते चले गए, जैसे जैसे भारतीय राज्यों को हटाते चले गए अंग्रेज। तो यानी ब्रिटिश शासन में भारत के सभी वर्गों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया उभरी भारत में, उसी का परिणाम था भारत में राष्ट्रवाद का विकास। यानी भारत में राष्ट्रवाद की भौतिक पृष्ठभूमि का या भौतिक परिस्थिति का निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया। इसके अलावा किसी भी देश में राष्ट्रवाद के विकास के लिए केवल भौतिक आधार ही पर्याप्त नहीं होता है, भौतिक परिस्थिति ही पर्याप्त नहीं होती है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि का होना भी जरूरी है। यानी राष्ट्रीयता के विकास का बौद्धिक आधार होना भी जरूरी है, और भारत में राष्ट्रीयता के विकास के बौद्धिक आधार का निर्माण अंग्रेजी शिक्षा ने कर दिया। और अंग्रेजी शिक्षा किसने लाई थी? स्वयं अंग्रेजों ने लाई थी, है ना। यानी राष्ट्रीयता के विकास की दोनों तरह की पृष्ठभूमियों का निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने ही किया था। यानी एक हद तक भारत में राष्ट्रीयता के विकास अंग्रेजों की ही देन थी, पहले तो शोषण और उसके बाद सोचने की शक्ति, ठीक है। तो बौद्धिक पृष्ठभूमि का निर्माण, बौद्धिक आधार का निर्माण अंग्रेजी शिक्षा ने किया। हालांकि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सूत्रपात और प्रसार प्रशासनिक हितों के लिए किया था। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन में काम करने के लिए अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक क्लर्क वर्ग तैयार किया जाए, एक ऐसा वर्ग जो कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो और प्रशासन में निचले पदों पर काम कर सके। बड़े पदों नहीं देना चाहते थे, वो छोटे छोटे पद भारतीयों को देना चाहते थे, फाइल चेक करने वाला, तो वे अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक क्लर्क पैदा करना चाहते थे। साथ ही उनका उद्देश्य ये भी था, लॉर्ड मैकाले के शब्दों में, लॉर्ड मैकाले कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करेगी जो रंग से तो भारतीय होगा लेकिन रक्त से अंग्रेज होगा। यानी रंग से तो भारतीय होगा लेकिन सोच से अंग्रेज हो जाएगा, है ना। उसका सोचना काफी हद तक मैकाले का सही भी था। उस जमाने में बहुत से ऐसे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होते थे जो भारतीयों को असभ्य और मूर्ख समझते थे, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेज समझते थे, है ना। कोट पहन के, हैट लगाकर, सिगरेट पीते हुए, शान से सड़कों पर चलना और खेतिहर मजदूरों को असभ्य और मूर्ख समझना, यानी अंग्रेजी बोलने में एक अलग तरह का अभिमान होता है, उसका भी कुछ मजा होता है। तो मैकाले का सोच अपना सही था, उसने कहा था कि हम अंग्रेजी शिक्षा भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करेगी जो रंग से तो भारतीय होगा लेकिन सोच से अंग्रेज होगा, और ऐसा वर्ग हमारे प्रशासन में निचले पदों पर काम करेगा तो भारत पर ब्रिटेन की पकड़ कभी भी ढीली नहीं हो पाएगी, है ना, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अंग्रेजों ने प्रशासनिक हितों के लिए किया था, मुख्य रूप से क्लर्क पैदा करने के लिए, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य उदारवादी विचारों के द्वार भी भारतीयों के लिए खुल गए। अंग्रेजी शिक्षा के लिए नहीं आई, लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, और अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से जो पाश्चात्य दार्शनिक थे, पाश्चात्य विचारक थे, उनके उदारवादी विचारों से भी भारतीय परिचित हुए। अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित जो नौ शिक्षित वर्ग था अंग्रेजी शिक्षा में, वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ब्रिटेन भी गया,
बहुत से उस जमाने में जो जमींदारों की बड़े बड़े घरों की जो छात्र छात्राएं होते थे वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले जाते थे जो सक्षम होते थे। तो इंग्लैंड में जाकर वे देखते थे कि यहाँ पर तो लोगों के पास बहुत ही अधिकार है, लोग हर तरह के मतलब किसी तरह का निरंकुशता नहीं सरकार द्वारा, है ना, लोगों के पास प्रत्येक तरह का अधिकार है, समाज में एक तरह की समानता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, सभी तरह का अधिकार है, प्रजातंत्र की और लोकतंत्र के आधार पर इनका देश चल रहा है, लोगों के पास पर्याप्त आर्थिक शक्ति है, है ना। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने जब वहाँ का खुला समाज देखा, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो लोग गए थे वहाँ पे, वहाँ का जब प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर और अधिकारों से लैस जब खुला समाज वहां पर देखा, तो वे भारतीय समाज और इंग्लैंड के समाज की तुलना करने लगे, सोचने लगे कि ये तो वही अंग्रेज हैं जो हमारे यहाँ शासन करते हैं, अपने यहाँ तो ये कुछ और कर रहे हैं और हमारे यहाँ कितना भेदभाव बरतते हैं, है ना। तो वे भारतीय समाज और इंग्लैंड समाज की तुलना करने लगे। वापस लौटकर उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भारतीयों के अधिकार तो कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों के अधिकार तो शून्य के बराबर है। इस तरह से जो लोग इंग्लैंड से लौटे थे उच्च शिक्षा हासिल करके उन्हें अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोधाभास अखरने लगा। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रवाद के विकास के लिए बौद्धिक और भौतिक आधार का निर्माण वास्तव में अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला, तो हम तो देख चुके ब्रिटेन और भारत के आर्थिक हितों में टकराव। दूसरा पॉइंट, पाश्चात्य चिंतन और अंग्रेजी शिक्षा की भूमिका राष्ट्रीयता के विकास का तीसरा कारण, इस पर गौर करते हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास का तीसरा कारण क्या था? धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने भी भारत में राष्ट्रीयता के विकास की उर्वर पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में, प्रथमार्ध मतलब 1850 से पहले ही, 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में ही पाश्चात्य शिक्षा से लैस शिक्षित भारतीयों ने समाज और धर्म सुधार का काम प्रारंभ किया है। यानी भारत में धर्म और समाज सुधार का काम उन्हीं लोगों ने प्रारंभ किया जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल कर ली थी। तो उच्च पाश्चात्य शिक्षा से लैस भारतीयों ने 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में समाज और धर्म सुधार का काम प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में कुछ प्रगतिशील संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। किसने स्थापित किया, सारा कुछ तो आप इतिहास पढ़ ही चुके हैं उसमें। तो इस तरह की प्रगतिशील संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रगतिशील क्यों, ये संस्थाएं क्या करती थी, समाज में जो ढोंग था उसका विरोध करती थी, जात पात का जो भेदभाव था उसका विरोध करती थी, छुआछूत की प्रथा का विरोध करती थी, औरतों के हीन और पतित जो दशा थी उस समय समाज में उसका विरोध करती थी, समाज को तर्क और विज्ञान के आधार पर सोचने के लिए मजबूर करती थी। तो इस तरह से इन प्रगतिशील संस्थाओं ने लोगों को पाश्चात्य विचारों से अवगत भी कराया और सोचने पर मजबूर भी किया धीरे धीरे। ठीक है, वास्तव में 19वीं शताब्दी का जो समाज था, अच्छा राष्ट्रीय चेतना का विकास ऐसे नहीं हो जाएगा अगर कोई समाज अंधविश्वास और पिछड़ेपन से ग्रसित है, तो वहां पर राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हो जाएगा। तो राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए जरूरी था कि समाज में जो अंधविश्वास, पिछड़ापन है, जो ढोंग है, ऊंच नीच का भेदभाव है, पहले उसे दूर करने के प्रयास किया जाए। इस तरह से 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने, यानी 19वीं शताब्दी का जो समाज था वो तमाम तरह के पिछड़ेपन से ग्रसित था, ऐसे में राष्ट्रीयता की बात भी करना बेमानी थी, उन्हें राष्ट्रीयता का मतलब ही समझाना मुश्किल था पहले। तो इस तरह से जो 19वीं शताब्दी के सुधारक थे उन्होंने समाज में उस समय जो कुरीतियां थी, उस नीच का जो भेदभाव था, जो पिछड़ापन था, जो अंधविश्वास का मायाजाल था, उसका घोर विरोध किया और साथ ही समाज का गठन फिर से तर्कवाद, तर्क बुद्धिवाद, समानता, प्रजातंत्र के आधार पर समाज का गठन किए जाने की बात कही कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से प्रजातंत्र और समानता और तर्क के आधार पर समाज का गठन किए जाने की बात कही। ठीक है, इस तरह से 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारकों के प्रयासों से भारत में राष्ट्रीयता के विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। अगला कारण, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी ने
19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद की जो आर्थिक समीक्षा की, ठीक है, उससे भी राष्ट्रीय चेतना के विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को लोगों के सामने ला दिया। उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत प्रशासन भारतीयों के हित के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड वासियों के हित के लिए कर रहे हैं। वे भारत के धन का धीरे धीरे परिक्रमण करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं। उन्होंने इस सत्य को उद्घाटित किया कि अंग्रेजों ने प्रत्येक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए हैं या प्रत्येक क्षेत्र में जो नीतियां लागू की हैं, जैसे कि आर्थिक क्षेत्रों को ले लेते हैं, कृषि के क्षेत्र में क्या फेरबदल किए उन्होंने, आपने देखा ही कृषि, उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि अंग्रेजों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन किए यथा कृषि, उद्योग, वित्त, पूंजी निवेश, बैंकिंग, विदेश व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने जो आर्थिक नीतियां लागू की हैं, उनका उद्देश्य एकमात्र भारतीयों का शोषण करना और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाना है। इस तरह से उन्होंने लोगों को बताया कि अंग्रेज भारत पर शासन भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना है। इस तरह से साम्राज्यवाद की आर्थिक समीक्षा करके दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने साम्राज्यवाद के नैतिक आधार को कमजोर कर दिया। उसका नैतिक आधार क्या था कि वे भारत को सभ्य बनाने के लिए और भारत के विकास के लिए शासन कर रहे हैं। जब ये भ्रम भारतीयों का टूट गया तो इस तरह से आर्थिक समीक्षा करके उन्होंने साम्राज्यवाद के नैतिक आधार को ही कमजोर कर दिया। इससे भारत में विदेशी शासन के प्रति घृणा और स्वदेश के प्रति प्रेम का विकास हुआ और राष्ट्रीय चेतना के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। अगला कारण, अंग्रेजों द्वारा देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। अंग्रेजों ने एक काम बड़ा अच्छा किया, उन्होंने पूरे देश को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। अंग्रेजों के आने के पहले क्या थे, बंगाल के मुर्शिद कुली खां अलग, मराठे अलग, हैदराबाद के निजाम अलग, गायकवाड़ सिंधिया होलकर अलग, है ना, मुगल बादशाह जो कि दिल्ली तक चिमटा था वो अलग, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के तमाम शासक अलग अलग अपने क्षेत्रों में राज्य करते थे। यानी अलग अलग राज्य का मतलब क्या था, इन विभिन्न क्षेत्रों की जनता एक दूसरे से बंटी हुई थी, है ना। अवध की जनता को हैदराबाद के निजाम की जनता से कोई लेना देना नहीं था, न ही एक दूसरे की गतिविधियों का कोई खबर भी नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे देश को एक राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सूत्र में बांध दिया। अंग्रेजों जब भारत में आए तो उन्होंने साम्राज्यवादी विस्तार के माध्यम से मौर्यों और मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यानी जितना बड़ा साम्राज्य भारत में मौर्यों का था और मुगलों का था, उससे भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की, पूरे देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। यानी पूरे देश में एक तरह की राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की अंग्रेजों ने, ठीक है, एक तरह की राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की। इसके अलावा पूरे देश में एक तरह की प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की। पूरे देश को उन्होंने जिलाधिकारियों के माध्यम से एक प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया था, और इसी तरह से एक तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं लागू की, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में या फिर वित्त के क्षेत्र में या पूंजी निवेश के क्षेत्र में। तो इस तरह से अंग्रेजों ने देश का एकीकरण किया। पूरे देश में एक समान न्याय व्यवस्था लागू थी, है ना, उनकी न्याय व्यवस्था एक समान लागू थी। पूरे देश में लिपिबद्ध यानी लिखित फौजदारी और दीवानी कानून था जिन पर दृढ़ता से अमल होता था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक समान प्रशासन का अर्थ है कि एक समान पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत का विकास। पूरे देश में अंग्रेजों ने एक समान प्रशासन स्थापित किया, उसका परिणाम हुआ कि पूरे देश में एक समान नफरत का या घृणा का विकास। ये जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो इसके अलावा उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, किस तरह से देश को एक सूत्र में बांधा। इसके अलावा व्यापारिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते अंग्रेजों ने देश में परिवहन साधनों का विकास किया, संचार के साधनों का विकास किया। परिवहन साधनों के अंतर्गत उन्होंने रेलवे का विकास किया, पक्की सड़कें बनवाई। संचार साधनों के अंतर्गत उन्होंने डाक और तार व्यवस्था का विकास किया। वास्तव में रेल व्यवस्था, डाक तार व्यवस्था, पक्की सड़कों, इन सभी चीजों ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। भौगोलिक दूरियों का महत्व घट गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बड़ा ही आसान हो गया। दूर दराज के लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। कैसे हम ट्रेन में बैठकर बनारस से अगर चेन्नई जाएं तो रास्ते में विभिन्न राज्यों के लोग हमसे मिलते चले जाते हैं, और क्या भाईचारा का विकास होता है ट्रेन में बैठकर,
यहाँ तक कि कभी कभी तो मिलते से 4 घंटा बैठे बैठे इतनी बातें हो जाती है कि बिछड़ते समय बहुत लोग दुखी हो जाते हैं ट्रेनों में। तो ट्रेन का जो भाईचारा होता है उस पर तो एक अलग किताब लिखी जा सकती है। तो वास्तव में भौगोलिक दूरियों का तो महत्व तो कम हुआ ही, लोगों के घुलने मिलने से ठीक है एक सामान्य समझ का विकास हुआ, एक जनमत का भी विकास होने लगा, अंग्रेजों के खिलाफ एक जनमत बनने लगा धीरे धीरे परिवहन और संचार साधनों के विकास से। इससे भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। अगला कारण क्या था, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारत में राष्ट्रीय चेतना काफी तेजी से प्रसारित हो रही थी, है ना। लोग अंग्रेजों को अपना शत्रु समझने लगे थे और अपने साझे हितों को समझने लगे थे कि भारतीयों के साझे हित क्या है, है ना। अगर लोगों को जोड़ना है तो पहले उनके साझे हितों से उनको परिचित करा दो। अगर प्रत्येक देशवासी का हित अलग अलग रहेगा तो देश कभी एक नहीं हो पाएगा, उनके साझे हितों से परिचित पहले कराना पड़ता है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते पढ़े लिखे भारतीयों ने ये काम बखूबी किया, जिससे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। परिणाम ये हुआ कि लॉर्ड लिटन और कर्जन जैसे गवर्नर जनरलों ने उभरती हुई राष्ट्रीयता को कुचलने का प्रयास किया, है ना। राष्ट्रीयता के खिलाफ उन्होंने कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियां लाई, इसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता और अधिक उग्र हो गई। जैसे लॉर्ड लिटन ने क्या किया, जब देखा कि भारत में राष्ट्रीय चेतना की जड़ें काफी गहरी होती चली जा रही हैं, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ भावना का विकास हो रहा है भारत में, जब उसने देखा तो उसने ऐसे कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए भारत प्रशासन में भारतीयों का प्रवेश करना ऐसे ही मुश्किल था। उसने क्या किया कि ICS एग्जाम जो भारतीय सिविल परीक्षा थी, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, ठीक है, सॉरी हाँ 21 वर्ष से घटाकर उसने आयु को 19 वर्ष कर दिया। अब 19 वर्ष का भारतीय बालक, वो भी परीक्षा कहाँ देने जाना होता था, इंग्लैंड में, तो 19 वर्ष के भारतीय बालक के लिए ICS में प्रवेश की संभावनाएं इससे और अधिक कम हो गई। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो देशी समाचार पत्र थे वो अंग्रेजों के खिलाफ काफी जहर उगलते थे, तो देशी समाचार पत्रों को कंट्रोल में लाने के लिए उसने देशी भाषा या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 पारित किया। कब, 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, किसने, लॉर्ड लिटन ने। इसके माध्यम से उसने देशी समाचार पत्रों को, यानी देशी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके तहत जिलाधिकारियों यानी दंड नायकों को आदेश दिया गया था कि जो भी देशी भाषा का समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगले उसके प्रेस को तुरंत जब्त कर लो। इससे भी भारतीयों को काफी धक्का लगा, क्योंकि विचारों का अगर प्रवाह नहीं होगा तो फिर हलचल तो उसके खिलाफ होगी ही होगी। इसके अलावा 1873 में दक्षिण भारत में बहुत भीषण अकाल पड़ा हुआ था, 1877 में, उसी समय उसने महारानी का स्वागत करने के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, काफी शानो शौकत से और भव्य, जिसमें काफी खर्च किया गया। एक तरफ तो दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे थे, उसी समय 1877 में उसने महारानी का, उसमें महारानी आई थी, इंग्लैंड की महारानी आई थी भारत में, उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इससे भी लोगों में काफी आक्रोश पनपा। इसके अलावा लॉर्ड लिटन ने एक और प्रतिक्रियावादी काम किया, उसने शस्त्र अधिनियम पारित किया। शस्त्र अधिनियम के माध्यम से उसने भारतीयों को शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित कर दिया, यह प्रावधान किया गया कि आप भारतीय शस्त्र नहीं रखेंगे, जबकि उस जमाने में इतना खतरा रहता था कि लोग आमतौर पर शस्त्र रखना पसंद करते थे, लोगों को शस्त्र रखने से जब मना कर दिया गया तो इससे भी लोगों में काफी आक्रोश पनपा। इसके बाद कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों को देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में, यानी 1905 या 1904 का समय ले लेते हैं, है ना, या 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। बंगाल के जो विश्वविद्यालय थे, विश्वविद्यालय राष्ट्रीयता के प्रसार के केंद्र बन गए थे, है ना। वहां पे पढ़े लिखे युवा निकलते थे, अपने अधिकारों को समझते थे और ब्रिटिश शासन के विरोध को लोगों तक पहुंचाते थे। तो जो बंगाल के विश्वविद्यालय थे राष्ट्रीयता के उद्भव के केंद्र बन गए थे एक तरह से।
तो इस तरह से बंगाल के विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसके तहत उसने विश्वविद्यालयों पर, बंगाल के विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया। यानी विद्यालय में कौन सी गतिविधियां होंगी और कौन सी नहीं होंगी, इसका निर्धारण अब से सरकार करेगी। इसके बाद जब इतने से भी वो बंगाली राष्ट्रवाद को दबा नहीं पाया कर्जन, तो उसने क्या किया कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दो। क्या किया कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था, तो उसने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक अलग राज्य बना दिया और पश्चिमी बंगाल को एक अलग राज्य बना दिया, है ना। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बन गई, उसी समय बनी थी पूर्वी बंगाल की राजधानी। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिमों में फूट डालकर भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए उसने बंगाल का विभाजन किया था। आपसे जब पूछा जाएगा कि कर्जन के बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, तो आप क्या कहेंगे? कर्जन के बंगाल विभाजन का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना, ठीक है। तो वास्तव में लॉर्ड लिटन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार को और अधिक उग्र बना दिया। यानी ब्रिटिश कठोरता ने राष्ट्रीय चेतना को और अधिक शक्ति दे दी। जितना ज्यादा ब्रिटिश कठोरता बढ़ती गई राष्ट्रीयता के खिलाफ, राष्ट्रीय चेतना उतनी अधिक अंग्रेजों के खिलाफ मुखर होती चली गई। ये है भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारक, इसका और उद्भव और विकास आपने देखा। भारत में राष्ट्रीयता के विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अधिकतर तथ्यात्मक नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अवधारणात्मक होते हैं। जैसे चार कथन दे दिया जाएगा या कोई दो कथन दे दिया जाएगा, कौन सा सही कौन सा गलत, या कथन कारण पर आधारित सवाल दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में जब तक अवधारणा विकसित नहीं रहेगी, आप यहाँ से सवाल सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस अध्याय में मैंने जितना कुछ कहा उससे बाहर प्रश्न इस अध्याय से आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो कि फैक्चुअल नहीं था। इसलिए दुनिया भर के छोटे छोटे फैक्ट लिखने का इसमें मतलब नहीं था। जो बोला उसको रिपीट की गई बातों को छोड़कर, बोलते समय कुछ बातें रिपीट हो जाती हैं, उन्हें छोड़ दीजिएगा, अपने सीधे सरल शब्दों में लिख दीजिएगा। लिख के एक बार पढ़ लेंगे तो कथन वाले सवाल गलत नहीं होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कब स्थापित हुई और उनके संस्थापक कौन से थे। मुख्य रूप से वहां से सवाल यही पूछे जाते हैं, तो अगले वीडियो में इंतजार करिए। हाँ, उसके बाद फिर हम भारत में कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, वहां से तो खूब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नमस्कार।